झारखंड विकास मोर्चा प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि भाजपा पूरी तरह से बेईमानी पर उतर आई है। जेवीएम के 6 विधायकों के बारे में विधानसभा अध्यक्ष का फैसला 10वीं अनुसूची की भावना के खिलाफ है। उनका निर्णय संविधान के प्रतिकूल नहीं है, उनका निर्णय संविधान के खिलाफ है। ऐसे में भाजपा नेताओं को चाहिए कि 10वीं अनुसूची को आग में जला दे। आखिर इसकी क्या जरूरत है? बाबूलाल मरांडी आज जेवीएम प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने दल बदल मामले में ऐसी नजीर पेश की है कि आने वाले समय में भाजपा नेता रोएंगे। जिन पर कानून बनाने की जिम्मेदारी है, अगर वही कानून से खेलने लगेंगे तो फिर कानून पालन की किसे अपेक्षा की जाएगी? अगर नहीं करना था तो फिर 4 साल तक इस सुनवाई करने का क्या औचित्य था? क्या वे हमें इतना बेवकूफ समझते हैं? वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में यह प्रावधान आया था कि विधायक जिस रूप में चुने जाएंगे उसे उसी रूप में रहना होगा। उससे पहले 1/3 विधायक मिलकर अलग हो जाते थे तो उन्हें मान्यता मिल जाती थी। इसको बंद करने के लिए उस समय कानून बना, तब अरुण जेटली मंत्री थे। वाजपेयी जी के बनाए कानून को आज भाजपा के नेता तोड़ रहे हैं। इस फैसले के पीछे भाजपा की पूरी टीम है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ वो 2-4 दिन के अंदर हाई कोर्ट जाएंगे। अगर वकील ने राय दी तो वो विधानसभा अध्यक्ष को भी पार्टी बनाएंगे। वे इस मामले को लेकर जनता की अदालत में भी जाएंगे और भाजपा को हर हाल में बेनकाब करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष ने जो जजमेंट दिया, मैं पूरी तो बहुत है, इस अपने कौन इतना पढ़ता लिखता है, तो पढ़ते लिखते नहीं, ये लोग कितने घटिया काम करते हैं, उसके स्पिरिट के खिलाफ ये क्या लिखते हैं। मानी जो विधानसभा अध्यक्ष का जो जजमेंट है, जजमेंट का ये 42वां जो नंबर है, पॉइंट्स है, 42वां पॉइंट को मैं पूरे पढ़ करके सुना देता हूं। क्या कहता है, यहां स्पष्ट करना उचित है कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत अध्यक्ष दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में मात्र ऐसे प्रश्नों का विनिश्चय करेंगे कि कोई सदस्य 10वीं अनुसूची की अधीन निहारता से ग्रसित हो गया है या नहीं, परंतु किसी राजनीतिक दल के संविधान के उल्लंघन के विषय में 10वीं अनुसूची के अंतर्गत विनिश्चय किया जाना संविधान की योजना के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है। अब बताओ भाई, एक और कहते हैं दल इन्होंने विलय किया, और दल विलय किया तो हमारा दल के संविधान बाकी सारी चीजें आप देखेंगे ना, विलय किया है कि नहीं किया है, उसको तो एक 4 साल तक कौन सी आप बहस कर रहे थे, 4 साल तक क्या गवाही कर रहे थे, यहाँ क्या लिखते हैं, तो 4 साल तक आप समय को आपने क्यों बर्बाद कर रहे हैं। इंडिया में भरोसे की मिसाल है डबल चेक। कैसे? आओ 2 कदम पीछे लेकर खुद ही देखें। किसी दिन दरवाजा डबल चेक, तो किसी दिन न्यूज। कभी कभी तो कार भी हो जाती है डबल चेक। अब जिस देश में भरोसे का मतलब है डबल चेक, वहां वोटिंग के लिए ईवीएम का नया वीवीपैट, ताकि आप अपना वोट डालते ही डबल चेक कर सके। कुछ ऐसे ही हजारों और चेक्स मिलकर बनाते हैं ईवीएम को भारत की मिसाल। ईवीएम मशीन नहीं, भारत की मिसाल है ये। रेस्टोरेंट की एक्सप्रेस डिलीवरीज अब घर बैठे ऑर्डर करें सिर्फ एक कॉल पर। फ्री होम डिलीवरी के लिए हमें कॉल करना ना भूलें 8092201666। न्यूज़लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है